हाय हाय हाय, ये ले भाई गर्मा गर्म पानी। यार लेट हो गया मैं, वो घर में कोई भी नहीं है, तुम्हें पता तो है। कशान अकेला था इस चक्कर में, मैं उसके पास बैठा हुआ था, वो आए भाई तो फिर मैं उसको छोड़ कर आया हूँ अब ऊपर। कल का पानी पिलाया था, कल हमने पिलाया था लाइसोविट का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई कल हमने जो पानी पिलाया था लाइसोविट का पिलाया था, आपको याद हो तो शायद, ताकत का सिरप जो होता है दोस्तों, जो इनके विटामिन वगैरह सब कुछ पूरे कर देता है। और अभी तो फिलहाल मैं सादा पानी लाया हूँ, लेकिन नीचे से क्यों लाया हूँ बता चुका हूँ, क्योंकि नीम गर्म पानी है दोस्तों, ठंडा पानी नहीं देना। यार ये तुमने खैर इनका खाना ही इसमें हल्का सा गिरा हुआ, कोई मसला। ये देखें दोस्तों फौरन आ गए ये पीने, थाई साहब जी मुझे क्या पता कि ये पीछे से एकदम आ रहा है। तुमने खाना भी डाला इन्हें? अरे यार फौरन पानी पीने आए। तो दोस्तों पूरा सेटअप खोल दिया भाई, इन पे चादरें ढकी हुई थी वही हर बार की तरह ठंड की वजह से। बट एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को और दिखाऊं, आज हमारा जो पेयर है कबूतर का, आप लोगों ने देखा था, याद होगा आप लोगों को। एक तो हमारे को मेरे इतना जहन में आ जाए, तो इसने एक अंडा दिया था, पर अब माशाल्लाह से दोनों दे दिए। पर ये जो है नर है, हम ये ऑरेंज आँख वाला नर है ना, ऑरेंज आँख वाला दोस्तों नर है जो अंडों पर बैठा हुआ, शायद डर रहा है मेरे से थोड़ा, तो दोनों अंडों पर बैठा हुआ है अपने। पर यार एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है इन पेयर के हिसाब से हमारी, वो ये है कि दोस्तों ये तो नर बैठा हुआ आप लोगों ने देख लिया, नमादी का है वो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखें बस, समझ नहीं आ रहा नज़र है क्या है, ये रही मादी। तो दोस्तों ये बैठी हुई मादी, ये देखें उठ नहीं रही है ये, अब वरना अभी ये होती ना तो ये फौरन बाहर आ जाती, पर इसका पता नहीं क्या है, ना चल पा रही है ना कुछ, दोनों टांगे जवाब दे रही हैं बिल्कुल। बोलते हैं ना कि हालत देखें, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमारे क्या हुआ है, सेटअप पे क्या हो रहा है, मतलब इनकी टांगें ऐसे ख़राब नहीं होती हैं इतनी जल्दी, और क्या हुआ, बिल्कुल सही थी, बिल्कुल आपके सामने उड़ाते थे या फिर रहे होते थे, ये पता नहीं क्या हुआ अचानक, यार सारे विटामिन सब कुछ दे रहे हैं। तो यार दोस्तों बस यही एक न्यूज़ थी, अब क्या कर सकते हैं। ये देखें उठने की कर रही है, ये देखें मैं आपको दिखा भी दूँ, बेचारी बैठ ही नहीं पा रही है, पैर इसको क्या हुआ है क्या नहीं, बिल्कुल भी मतलब कोई वर्किंग ही नहीं है। हम तो क्या है यार, समझ आ रहा है कुछ है, पैर तो देखो मोड़ लिए बिल्कुल, और अच्छी खासी सही थी यार, है चल फिर रही थी, सब कर रही है। अंडा दिया इसने एक दोस्तों, पहला अंडा दिया उस वक्त तक सही थी, दूसरे अंडे देने पे यहाँ बैठी हुई थी, मैं समझे कि शायद अंडा देने वाली है, फूल के बैठी हुई, पर हमने नोटिस करा नहीं यार, दूसरा अंडा चले उसके दो दिन बाद ही इसने दे दिया, पता है एक दिन बाद कल में, पर कल फिर हमने नोटिस करा यार ये चल नहीं रही दादा, फूली भी क्यों है ये देख। तो अगर मैं यहाँ रखूँ, ये देख भाई ये कर रही है, पता नहीं या तो सर्दी बर्दाश्त नहीं हुई है इससे, हवा हवा लगी है, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी एक को लग जाती है, कोई किसी का सिस्टम होता है मजबूत वो सह जाता है, किसी का होता है कमज़ोर वो नहीं सह पाता, तो हो सकता है इसके कुछ ना कुछ है ये बीमारी। ये देखें बिल्कुल टांगें रफ हुई हैं, खैर इसका हम अभी कर रहे हैं इलाज, थोड़ा बहुत इसको जो समझ आ रहा है वो दे रहे हैं, और इसकी टांगों की अब सिकाई करेंगे हल्की फुल्की, ताकि ये हो कि ठंड भी लगी हुई हो तो सेट हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी टांगें ना बिल्कुल जान छोड़ गई हैं। चलो यार खैर है दोस्तों, है तो सेट, अल्लाह पाक इसको जल्द सेहत कर दें, अभी तो ये इस कंडीशन पे चल रही है यार, चल ही नहीं पा रही बिल्कुल। तो यार खोल दिया हमने दोस्तों रैबिट के भी अपना जो भी सेटअप है रैबिट के सेटअप को, और अपना इनके अभी ईंटें लगी रहनी है मैंने, ताकि यार ये बाहर ना आए, अंदर खाना डाला हुआ है, अंदर चारों भाई मिलके खा रहे हैं। और बाकी इसका दोस्तों टांगों की अगर आप लोगों को अपडेट दूँ तो ये बिल्कुल भाई ख़त्म हो गई हैं, ये देखें जान नहीं है इसकी टांगों में, इसकी टांगें बिल्कुल एंड हो गई हैं। तो अब ये हम ही पालना है इसको, सिर्फ हम ही करेंगे जो करेंगे, बाकी ये है कि सेल आउट का अगर हमारा होता तो इसको नहीं कर सकते, ये अब हमारी जिम्मेदारी है, जब तक जिंदा है तो इसकी हम केयर करेंगे, बाकी अल्लाह पाक की देना भाई, वो अल्लाह पाक ज़िंदगी देने लेने वाला वही है। तो यार हमारे सुरखाब मियाँ जो है ना दोस्तों इधर, हाँ वो अकेले रह रहे हैं, और हमने इनको चेंज करना था, क्योंकि ओ मतलब इनकी जो मादा है वहाँ से इनके तरफ डालना था, मैं सोच रहा हूँ कि कब डालें यार, हमने डाल दें इसकी मादा को, काफ़ी टाइम गुजर गया है यार, कितना तकरीबन एक महीना हो गया है, देख लो पहले बाहर साथ छोड़ेंगे है ना, कि कुछ करता है या नहीं या फिर ये दोस्तों, क्योंकि एक महीने से हमने इसको अलहदा करा हुआ है मादा से, मादा उसकी गोरी और इसको यहाँ रखा हुआ है,
पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, इजीली आप लोग जाइएगा सुरखाब लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी आराम से मेरी। तो उसके अंदर आप देखिएगा इसने अपनी जो वो है ना, इसकी जो मादा है उसको पूरा गंजा कर दिया था मार मार के, और अच्छा खासा उसका ना जख्म बन गया था। तो अपसेट हो गया माशाल्लाह, और अब इसकी मादा जो है ना वो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी हो गई है, फुल सेट। और देखें इसके बाल वाल सब बहुत प्यारे हो गए हैं। अरे उस पर चढ़ी भी हो तुम, हटो। और ये जो कबूतर का, यार मैंने इतना पूछा लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया इसका क्या करें। तो भाई इसको अभी हम रखे हुए हैं, इंशाल्लाह देखते हैं जिस दिन हमारे सही लगा, मेरे को मूड हुआ तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि या तो आज़ाद कर दूंगा, अगर आज़ाद नहीं तो फिर इसको फिर मैं सेल आउट करके आ जाऊँगा मार्केट में, क्योंकि आज़ाद करूँगा तो वही बात है पता नहीं कहाँ जाए कहाँ नहीं, किस्मत में इसके। अब दोस्तों आप लोग कमेंट में, मैं फिर पूछता हूँ एक बार, आज़ाद करूँ सेल आउट करूँ या फिर रखूँ। और ये वाला बच्चा जो है दोस्तों हमारा, ये भी यार टांगों से मंजूर है बिल्कुल, मेरे पिजन्स के कुछ भी समझ नहीं आया मेरे, इन्होंने ना बच्चे सही से रखे हैं ना खुद सेट रह रहे हैं। इसकी भी टांगे चली गई, इसकी भी टांगे चली गई, सेटअप पे ये बहुत मुश्किल चल रही है हमारे, पता नहीं इनको क्या बीमारी हो रही है, इनकी टांगे जाई जा रही हैं। चलो अंदर, तुम तो उसकी एक उसके भी नहीं हो, दो मिनट लगेंगे तुम्हारे को ऐसे ही फोड़ देगा वो, समझे। अरे 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 आराम से यार, इनकी टांगें बड़ी नाजुक होती है, आप लोग भी उठाए करें तो बहुत केयरफुली उठाए करें, इनकी टांगें अगर एक मरतबा गई ना तो गई भाई। तो यार दोस्तों हमारे हीरा खुल गए माशाल्लाह से, और ये देखें सबसे अच्छी मुझे पता नहीं बात क्या लगती है, हमारे पूरे सेटअप पे ना ये वाहिद हैं जो मेरे रैबिट है ना, मेरे रैबिट्स को कुछ भी नहीं कहते हैं। ये देखें कितने प्यार से खा रही है ये इनके साथ, हमारा जो ये है हीरा नर बिल्कुल भी कुछ नहीं करता इनको। क्या हुआ, क्या है, हड्डी वाई नहीं है ना उसके, दम से चिपकेगा। वॉशरूम वो साफ कर रहे हो ना पीछे से। अबे यार लेकिन हमने इसकी टांगे तो वैसे तो सही है लेकिन क्या हुआ हुआ टांगों में, ऐसा क्या मतलब हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, हल्की हो रही है वाला सिप में। हाँ सिप में आ रही यार, सिप में इसलिए आ रही है ना तकलीफ में, मैंने देखा है सिप में जब ही आता है जानवर, जब तकलीफ में आता है और खाना पीना छोड़ देता है उसके बाद दोस्तों वो एंड होता है। पर कटे में इसके ना, इसके इधर छोड़ना दादा, इसको अंदर नहीं छोड़ दो, इधर तो रखो। नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बैठी देख रहा है कुछ भी नहीं यार, हरकत ही नहीं है, चल भी नहीं रही टांगे। एक काम कर, ये देखें दोस्तों भाई ये करी हुई है इसने टांग, बिल्कुल ही जान खत्म करी हुई है। कहाँ है वो, कहाँ है भाई साहब, आ जाओ भाई आपका दाना आ गया, जाओ उधर जाके खाओ जल्दी से खाओ। पीछे पीछे कैसे चल रहा था, ये तो बच्चा है कोई छोटा। दोस्तों हम दाना लेकर आते ना ऐसे पीछे पीछे चलता हमारे, ऐसे कुछ छोटे बच्चे नहीं होते, घूमता रहेगा यहाँ वहाँ जब तक हम दाना नहीं डाल देंगे। ये बाजरे की बात कर रहा है जो ये देखे वहाँ चला, तो बड़े शौक से खाते हैं दाना, लेकिन यार हम रोटी क्या हुआ इनके चले यार, पीछे से ढकते थे इनका पीछे दोस्तों फट गया तो कवर कर दें। तो नहीं भाई दोस्तों ढक दिया हमने पीछे से, वो देखें पीछे लग गया है। बाकी यार एक ही आप लोगों से आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये इनके लिए बोल रहा हूँ, इख्तियार दोनों एक जैसे ना, मुझे समझ नहीं आता ये नर है ये मादा है, ये ऑरेंज आंख वाला नर है ये मादा है, तो इसके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा यार ये सेट हो जाए। फिलहाल ये अंडों पे बैठ गई हैं, हमने इसको अंदर बैठा दिया क्योंकि नीचे गंद होता है ना तो फिर ये उसी में रहती है फिर, तो यार इसके लिए लाजमी दुआ करें उसके लिए भी, और मेरे पूरे सेटअप के लिए दुआ करें हमारे पूरे सेटअप के लिए यार दोस्तों, कि हमारी सारी चीज़ें सेट हो जाएं और यार जल्द सेटअप बढ़ा सकें और चैनल भी सेट हो जाए यार। मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्द अज़ जल्द बहुत कुछ करना है भाई। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।